woozup.com पर आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का एक टॉपिक है जॉब्स के बारे में, हाउ टू फाइंड ए जॉब इन जॉर्डन। जॉर्डन में आपको कैसा नौकरी मिलेगा उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, हाउ टू फाइंड ए जॉब इन जॉर्डन। जॉर्डन जो है वेस्टर्न मिडिल ईस्ट में कंट्री है जॉर्डन है, तो जॉर्डन में कैसे आपको नौकरी मिलेगा उस बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा जॉर्डन का लोकेशन के बारे में, जॉर्डन का राजधानी, पॉपुलेशन और करेंसी, और जॉर्डन में किस जॉब्स का ज्यादा डिमांड्स है और कैसे आपको जॉर्डन में नौकरी मिलेगा उस बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं द वीडियो, हाउ टू फाइंड ए जॉब इन जॉर्डन, आपको कैसे जॉर्डन में नौकरी मिलेगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू woojobs.com। woojobs.com इज अ लीडिंग ग्लोबल जॉब पोर्टल। इफ यू आर अ जॉब सीकर लुकिंग फॉर जॉब, Please log on woojobs.com, register and upload your CV, start applying for jobs. If you are an employer or recruitment company looking for recruit workers, please log on woojobs.com, register your company, create your company profile, start posting jobs for free or paid, search candidates from our database and start recruiting candidates. Log on today woojobs.com. तो शुरू करते हैं वीडियो, हाउ टू फाइंड ए जॉब इन जॉर्डन, जॉर्डन में कैसे आपको नौकरी मिलेगा। सो जॉर्डन एक कंट्री है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है, एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है। तो जॉर्डन कहां पर लोकेटेड है मैं आगे आपको मैप में दिखाऊंगा। जॉर्डन का जो राजधानी है अमान है, अमान का राजधानी है और पॉपुलेशन है करीब एक करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन है, 1 करोड़ पॉपुलेशन है और इंडियन पॉपुलेशन है करीब 15,000 के अबव इंडियंस वहां पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, इंडियंस वहां काम कर रहे हैं, ठीक है। वहां का जो जॉर्डन का लैंग्वेज है अरबिक लैंग्वेज में बात करते हैं, अरब कंट्री है अरबिक लैंग्वेज में बात करते हैं, और जॉर्डन में जॉर्डन का करेंसी है जॉर्डनियन दिनार इंडियन करेंसी में काफी आगे है। 1 जॉर्डनियन दिनार इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो इंडियन रुपीस में आपको 103 रुपया आज के तारीख में मिलेगा। सो अभी आपको मैं बताऊंगा जॉर्डन का लोकेशन बताऊंगा, मैप में दिखा रहा हूं द लोकेशन ऑफ जॉर्डन, देखिए मैप में। सो देखिए जॉर्डन का जो साउथ में है, साउथ ईस्टर्न पार्ट में है सऊदी अरेबिया, जॉर्डन का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इराक, जॉर्डन का नॉर्थ में है सीरिया, वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है इसराइल और पैलेस्टाइन, ठीक है। और जॉर्डन का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है लेबनान है, लेकिन उसका इमीडिएट वेस्टर्न पार्ट में इसराइल है, इसराइल है, पैलेस्टाइन है, नॉर्थ में सीरिया है। तो देख सकते हैं आप जॉर्डन का मैप में देख सकते हैं कहां पर लोकेटेड है। सो मैंने आपको बता दिया जॉर्डन का लोकेशन, बता दिया जॉर्डन कहां पर लोकेटेड है। तो जॉर्डन में काफी सारे जॉब्स का डिमांड रहता है हमेशा, और लेकिन जॉर्डन में काम करने के लिए जॉर्डनियन लोगों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ज्यादा नौकरी मिलता है जॉर्डनियन लोगों को, क्योंकि इंडियन या इंडियन का नेबरिंग कंट्रीज है जो लोग होते हैं उनको तो अरबिक नहीं आता है, अरबिक जॉर्डन में जॉर्डनियन ज्यादा करके इंग्लिश भी बोलते हैं, ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं जॉर्डनियन, और जॉर्डन में इंग्लिश भी बोला जाता है अरबिक बोला जाता है, लेकिन अरबिक ज्यादा स्टैंडर्ड अरबिक बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। अगर आपको अरबिक स्पीकिंग अच्छा आता है, अरबिक और इंग्लिश, जॉर्डन में अच्छा नौकरी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अभी जॉर्डन में आपको किस तरफ का, किस टाइप का नौकरी मिलता है और किस इंडस्ट्रीज में ज्यादा नौकरी है मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, देख लीजिए किस इंडस्ट्री में ज्यादा नौकरी है, देख लीजिए स्क्रीन में। तो जॉर्डन में ज्यादा करके कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में ज्यादा नौकरी मिलेगा आपको, जैसा कंस्ट्रक्शन वेल्डर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, वेल्डर्स, इलेक्ट्रीशियन, एस्टिमेटर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, जितने सारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का वर्कर्स है आपको जॉर्डन में काम मिलेगा और इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में मिलेगा। तो आपको मैंने लिस्ट दिखा दिया किस इंडस्ट्री में ज्यादा अवेलेबल है जॉब फॉर फॉरेनर्स इन जॉर्डन। जॉर्डन में ज्यादा करके कंस्ट्रक्शन में और इंजीनियरिंग में जो वर्कर्स लेते हैं, लोकली रहते हैं जो हाई स्किल्ड वर्कर्स रहते हैं, इंजीनियर्स वगैरह रहते हैं, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स और इंजीनियर्स, वो लोकली रहते हैं, जॉर्डनियन रहते हैं, बाकी जो अनस्किल्ड स्किल्ड वर्कर्स रहते हैं वो ज्यादा करके इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जो नेबरिंग कंट्रीज, एशिया का कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, वो इम्पोर्ट करते हैं जॉर्डन। तो किस इंडस्ट्री में नौकरी मिलता है मैं आपको दिखा दिया किस इंडस्ट्री में मिलता है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में
होटल या होटल इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट में, कैफे में, रेस्टोरेंट्स में अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो आपको अरबिक स्पीकिंग, अरबिक आना बहुत जरूरी है। अगर आपको अरबिक लैंग्वेज आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आता है, तो आपको हॉस्पिटैलिटी यानी होटल इंडस्ट्री में नौकरी मिल सकता है इन जॉर्डन। लेकिन आपको अगर खाली इंग्लिश आता है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा इन जॉर्डन। आपको अरबिक चाहिए, इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज आना जरूरी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा नौकरी आपको कैसे मिलेगा। नौकरी एक तो इंडिया में, हमारा इंडिया का जो एक न्यूज़पेपर है, असाइनमेंट अब्रॉड टाइम्स है, असाइनमेंट अब्रॉड टाइम्स में नीचे दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन में, असाइनमेंट अब्रॉड टाइम्स में कभी कभी नौकरी वैकेंसीज अवेलेबल रहता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। क्योंकि इंडिया में हमारा जितने सारे ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंट्स रहते हैं, एजेंसीज रहते हैं, न्यू दिल्ली में है, मुंबई में ज़्यादा है, और हैदराबाद में है, बेंगलोर में, चेन्नई में, केरल में और कलकत्ता में ये सब एजेंसीज लोकेटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा जो एजेंसीज मुंबई में है, तो असाइनमेंट अब्रॉड टाइम्स में एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं और naukri.com में एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो आप naukri.com में सर्च करिए जॉब्स इन जॉर्डन, आपको अगर जॉर्डन में कोई जॉब्स अवेलेबल रहेगा तो जॉब्स आपको दिखाई देंगे naukri.com में, फिर अप्लाई करके आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो आप असाइनमेंट अब्रॉड टाइम्स में न्यूज़पेपर है आप खरीदिए, न्यूज़पेपर में assignmentabroadtimes.com या .in ये न्यूज़ उनका वेबसाइट है, या आपका न्यूज़पेपर खरीद के आप सर्च करते रहिए। अगर जॉर्डन का कोई वैकेंसी आता रहता है तो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी, ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंसी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको कुछ पैसा 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 कुछ भी पैसा चार्ज करेंगे, फ्री में तो नहीं भेजेंगे। कभी कभी फ्री वीज़ा भी आता है, ठीक है, फ्री वीज़ा भी कभी कभी आता है, फ्री में आप जा सकते हो। तो आप उन कंपनी को, उन रिक्रूटमेंट कंपनी को, रिक्रूटमेंट एजेंसी को इन इंडिया कॉन्टैक्ट करिए जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं असाइनमेंट एडवर्टाइज में, फिर आप उनको कॉन्टैक्ट करके उनके थ्रू नौकरी पाके आप जॉर्डन में जाकर नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। थर्ड तरीका है, सेकंड तरीका है बता दिया, फर्स्ट तरीका बता दिया, सेकंड तरीका है, आपको काफ़ी सारे जॉर्डन का वेबसाइट दिखा रहा हूँ, जॉर्डन का जॉब साइट, जॉब पोर्टल्स दिखा रहा हूँ, और जॉर्डन का इंग्लिश न्यूज़पेपर और इंग्लिश अरबिक न्यूज़पेपर मैगजीन्स में स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। पहले आप स्क्रीन में पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट जॉब साइट्स है, इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स है। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में पहला लिस्ट कर लीजिए, हमारा कंप्यूटर को थोड़ा स्टॉप करके दो मिनट के बाद मैं आपको आके समझा रहा हूँ, पहले आप लिस्ट कर लीजिए। काफ़ी सारे मैंने जॉर्डन का न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड वेबसाइट्स ऑफ जॉब पोर्टल्स एंड जॉब वेबसाइट्स आपको दिखा दिया। मैं आशा करता हूँ आपने पूरे लिस्ट कर चुके होंगे, या आप क्या करिए, वन बाय वन आप लिस्ट करने के बाद, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या आपका नोटबुक में लिस्ट करने के बाद, वन बाय वन वेबसाइट को आपका कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपन करिए, फिर आप उसमें एज ए जॉब सीकर रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आपका सीवी अपलोड करिए। आपका सीवी अपलोड करने के बाद आपका ट्रेड के हिसाब से, आपका जॉब के हिसाब से वन बाय वन जॉब सर्च करिए और अप्लाई करते रहिए। अगर आपका सीवी मैच कर जाता है, तो जॉर्डन में जॉर्डनियन कंपनी आपको ऑन ईमेल करेंगे कि आपको जॉर्डनियन कंपनी रहेगा या जॉर्डनियन रिक्रूटमेंट एजेंसी का भी काफ़ी सारे मैंने दिखा दिया लिस्ट आपको। अगर आप सीवी मैच कर जाता है तो जॉर्डनियन कंपनी या जॉर्डनियन रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपको ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट करेंगे कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो और आपका इंटरव्यू होगा ऑन स्काइप या जूम में, कैमरा में होगा। फिर आप उनको टाइम दे दीजिए, वो भी आपको टाइम दे देंगे, फिर उस दिन में, उस डेट में, पर्टिकुलर डेट में वो आपको ऑनलाइन ऑन कैमरा में, जूम या स्काइप में आपका इंटरव्यू करेंगे। इसलिए आपका मोबाइल में, अगर आपका स्मार्टफोन है, आपका जूम या स्काइप को आप डाउनलोड करके रेडी करके रखिए, फिर आपको कैमरा के जरिए इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू करीब 5-1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा लग सकता है। इंटरव्यू में वो काफ़ी चीज़ आपको पूछेंगे, आपका जॉब रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, आपका करियर रिलेटेड पूछेंगे। अगर इंटरव्यू में आप पास कर जाते हो, फिर वो आपको थोड़े दिन में रिप्लाई करेंगे कि आप इंटरव्यू में पास हो चुके हो, आप हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजिए और आपके लिए हम वीज़ा अप्लाई करेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है कि आपका ऑल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ऑल सर्टिफिकेट्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितने आपके पास है, मार्कशीट के साथ आप भेजिए, आप PDF फाइल में बना के रखिए, पासपोर्ट कॉपीज, वीज़ा कॉपीज, अगर आपने पहले कभी कोई कंट्री में काम कर चुके हो, वीज़ा कॉपीज और पासपोर्ट, और जितने सारे कंपनी में आप काम कर चुके हो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका ID, जितने सारे IDs होता है, आपका आधार कार्ड,
आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट कॉपी, पूरा डॉक्यूमेंट्स को कलर जेरक्स बना के एक पीडीएफ फाइल में बनाइए, आप डाउनलोड करके पीडीएफ फाइल में बनाइए। पीडीएफ फाइल में बनाने के बाद पूरा डॉक्यूमेंट्स को आप कंपनी को भेज दीजिए, कंपनी आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करेगा। एक महीना डेढ़ महीने के अंदर वीजा आ जाते हैं, वीजा आपको भेज देंगे। वीजा आने के बाद आप जॉर्डन ट्रैवल करिए। अगर पेपर वीजा होता है तो ठीक है, अगर स्टाम्पिंग वीजा होगा तो जॉर्डनियन एम्बेसी में आपको वीजा स्टाम्पिंग करना पड़ेगा, नहीं तो पेपर वीजा आता है। पेपर वीजा लेने के बाद आप जॉर्डन का टिकट लेके जॉर्डन आप ट्रैवल करिए, जॉर्डन में कंपनी ज्वाइन करके आपका काम शुरू कर दीजिए। और आपको काफी सारे जॉर्डनियन इंग्लिश अरबिक न्यूज़पेपर और मैगजीन दिखा दिया आपको लिस्ट में, आप ऑनलाइन में पढ़ते रहिए। जॉर्डन के बारे में आपको काफी चीज मालूम पड़ेगा, जॉर्डन का ट्रैवल टिप्स, जॉर्डन का मार्केट, जॉर्डन का जॉब मार्केट, जॉर्डन का कल्चर सोसाइटी के बारे में मालूम पड़ेगा। अगर आप ट्रैवल करने से पहले जॉर्डन के बारे में काफी चीज आपको मालूम पड़ेगा। और जॉर्डन का जो न्यूज़पेपर में काफी सारे क्लासिफाइड साइट्स, क्लासिफाइड पेजेस है, उसमें भी वैकेंसीज आते रहते हैं, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं जितना सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। जॉर्डन अगर आपका टारगेटेड कंट्री है तो जॉर्डन में आप अरबिक सीखिए, इंग्लिश सीखिए अच्छी तरह, और आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए, फिर जॉर्डन में आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू या जॉब पोर्टल्स के थ्रू जॉब अप्लाई करते रहिए। हमारा चैनल ojob.com एक जॉब चैनल है और जॉब वेबसाइट है। अगर आप एक कैंडिडेट हो, जॉब सीकर हो, हमारा जो जॉब साइट है, जॉब पोर्टल है www.ojob.com में रजिस्टर करिए एज ए कैंडिडेट, एज ए जॉब सीकर। रजिस्टर करने के बाद आपका सीवी अपलोड करके सर्च करके जॉब अप्लाई करते रहिए। अगर आप एक रिक्रूटमेंट कंपनी हो, एचआर कंपनी हो या एम्प्लॉयर हो, आप हमारा वेबसाइट ojob.com में आप रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आपका कंपनी प्रोफाइल बनाइए, आपका फ्री में पेड में जॉब अनलिमिटेड जॉब पोस्टिंग करिए, फिर सर्च करके कैंडिडेट फ्री में रिक्रूट कर लीजिए। तो अगर आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जब को वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे सकूँ। आप हमेशा हमारा वीडियो को, जो आप नया व्यूअर हो, हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाला वीडियो का आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। हमारा चैनल फ्री में आपको एडवाइस देगा इंटरनेशनल जॉब्स के बारे में, इंटरनेशनल माइग्रेशन के बारे में, इंटरनेशनल एजुकेशन के बारे में। हम आपको कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम आपको फ्री में वीडियो के जरिए आपको फ्री में गाइड कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कैसे आपको इंटरनेशनल कंट्री में, इंटरनेशनल फील्ड में, इंटरनेशनल ओवरसीज कंट्रीज में कैसे आपको नौकरी मिलेगा, कैसे आप पढ़ पाओगे फ्री में या पेड में, और कैसे आप माइग्रेट कर पाओगे। इसलिए कोई पैसा हम आपको नहीं मांग रहे हैं, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।